नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस 2019 लेखपाल मंडी पर्षद। मॉक टेस्ट नंबर आपका है 9 और सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि हमने यहाँ पर 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बिल्कुल सही किए। यहाँ पर आप जो है मंडी पर्षद एग्जाम लोअर पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो यहां पर आपका जो सही आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा चतुर्थ। आपको यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में से उत्तर प्रदेश का नंबर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा नंबर इसका आता है यूपी का, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी यहाँ पर है, यानी कि लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है या मेरठ में है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर आपका रहेगा यानी कि ऑप्शन ए लखनऊ में है, ठीक है। यानी कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है और इसकी स्थापना होती है कब होती है? 8 फरवरी, कब होती है? 8 फरवरी 1962, ठीक है, 8 फरवरी 1962 को यहां पर इसकी स्थापना होती है। आगे यहां पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ है? तो आगरा में किसका जन्म हुआ है? मीर फिराक, अमीर खुसरो या गालिब? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास पर्याप्त यहाँ पर टाइम है 2 से लेकर 4 सेकंड का, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा यहाँ पर डी, यानी कि गालिब आपका रहेगा सही आंसर, ठीक है। यानी कि मिर्जा गालिब का जन्म जो है जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इनका नाम क्या था, आपको ये बताना है। यहां पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सुचेता कृपलानी आपका रहेगा सही आंसर। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये 1963 से लेकर 1967 तक इस पद पर बनी रही। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया, लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में या कानपुर में? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आपका है लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि साखी सबद और रामायणी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख कृति है? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, सूरदास, नाभादास, छीत स्वामी या कबीरदास। आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, यानी कि कबीरदास। यानी कि साखी सबद और रामायणी जो है ये कबीरदास की प्रमुख ये कृतियाँ हैं और कबीरदास जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु ही आपकी मगहर में हुई थी। तो इन बातों का यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में है, ठीक है, था यानी कि? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अस्मक। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुकान ए चहलगानी संगठन की स्थापना किस शासक ने किया था? रजिया, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आपका जो सही आंसर यहाँ पर है
यानी कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने यहाँ पर किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर क्या है कि इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था जिसे सुल्तान की पद की स्वीकृति जो है खलीफा से प्राप्त हुई थी। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपका जो सही आंसर है पहला आपका है दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, विवेकानंद। तो आपका जो आंसर यानी कि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर किया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर है सिंपल सा आपका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर क्या है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ जो थी। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। पहला आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्वराज पार्टी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी। अब यहाँ पर क्या है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, किसका? स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वे आपके बनते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू बनते हैं महासचिव। तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसका क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो गोरा है, ठीक है, गोरा ये महात्मा गांधी का नहीं है। ठीक है, यानी कि गोरा और गीतांजलि ये पुस्तकें जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर आपका ये सुमेलित नहीं होगा, बाकी ए बी और डी बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो चार आंसर आपके सामने हैं यहाँ पर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन मोहन मालवीय या लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो सिंपल सा आपका जो सही आंसर यहाँ पर है यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर है अगला कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? पहला आपका है राजगृह, कुंडलवन, फिर पाटलिपुत्र या वैशाली। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका है बी यानी कि कुंडलवन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो चौथा बौद्ध संगीति होता है आपका होता है कनिष्क के शासनकाल में और कुंडलवन में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हुए होते हैं वसुमित्र होते हैं और इसके अलावा आपका राजगृह हो गया, वैशाली और पाटलिपुत्र। यहाँ पर आपका जो प्रथम होता है राजगृह में, दूसरा आपका होता है वैशाली में और तीसरा आपका होता है पाटलिपुत्र में। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर क्या रहेगा कोई बताना है। पहला आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के आदेश से संसद में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, संसद के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव से या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या रहेगा यानी कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति जो है ये प्रसाद पर्यंत पद पर ये बना रहता है यानी कि पद धारण करता है, तो ये राष्ट्रपति के आदेश से इसको यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ऑप्शन ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे संसद सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है
और काफ़ी आसान भी है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बनते हैं 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख है। पहला आपका है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 19 है। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 24 है। यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान या अन्य संकटमय स्थान पर 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका काम करने पर रोक है, यानी कि वे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितने। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर है, 550, 552, 545 या 548 है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यानी कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपको ये बताना है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या का उल्लेख है और लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ पर 552 हो सकती है। कितनी? 552। तो आपका आंसर यहाँ पर बी है। ठीक है, जहाँ पर 530 सदस्य राज्य से और 20 आपके जो है संघ राज क्षेत्रों से और 2 आपके सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से आपके निर्देशित होते हैं यानी कि चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके जो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं उनको तो ऐसे ही मतलब चुना जाता है। ठीक है, बाकी आपके निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 530 आपके होते हैं राज्यों से और 20 आपके होते हैं संघ राज क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं और 2 को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है जो कि आंग्ल भारतीय होते हैं। तो आपके यहाँ पर बन जाते हैं यानी कि 530 प्लस 20 प्लस 2 यानी कि 500 आपका हो गया 52 अधिकतम यहाँ पर संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो चार आंसर, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 285 या अनुच्छेद 275। यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका अनुच्छेद 280। अब होता क्या है कि वित्त आयोग के गठन की बात संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है और राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसकी अगुवाई में आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक विशेषज्ञ समिति का यहाँ पर गठन किया गया। तो चार आंसर, विमल जालान, राकेश मोहन, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा आपको ये बताना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा यानी कि विमल जालान, आपका आंसर यहाँ पर ए है यानी कि विमल जालान। ठीक है, यानी कि 26 दिसंबर 2018 को आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में यहाँ पर आर्थिक पूंजी ढांचे का एक विशेषज्ञ समिति का यहाँ पर गठन किया गया। ठीक है, और राकेश मोहन को इस समिति का यहाँ पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 1948, 1945, 1949 या 1952। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि 1949 में हुआ था। यहाँ पर होता क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है ये 1949 में होता है। तो आपका जो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा सी। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी क्या है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जीएसटी क्या है आपको ये बताना है। तो काफ़ी आसान है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं ये बता दूँ कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। क्या है ये? आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा इसका बी। और भारत का 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, और जीएसटी विधेयक को लागू करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है असम। क्या नाम है? इसका नाम है असम। ठीक है, तो इन बातों को यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर बनता है अगला कि मानव विकास सूचकांक 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है।
चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नॉर्वे। और अगर यहाँ पर हम बात करें भारत के बारे में तो भारत का नंबर है 130वां नंबर है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर अगला कि पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर में किसके भाषणों का संग्रह है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपका आंसर है सी यानी कि रामनाथ कोविंद आपका रहेगा सही आंसर। ठीक है, और ये काफ़ी यहाँ पर आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 26 सितंबर 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों की उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर इसका है यानी कि 141.59। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका है, ठीक है, कि भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य यहाँ पर कौन सा है। तो सिंपल से चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और आपका जो आंसर है यानी कि इसका आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका जो आंसर क्या इसका है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और आपको बताना है कि आपने यहाँ पर 25 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, यानी कि 25 में से अगर यहाँ पर आपने जो है 22 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर किया है 22+। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे अन्य क्वेश्चन के बारे में। टेक केयर, सी यू।